भीड़ से अलग हटकर अपनी पहचान बनाना, ये बात इस गोल्डन हाथी पर एकदम सटीक बैठती है। मिट्टी से नहाने के बाद ये गजा महाराज बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि सोने से नहाकर निकले हो। इस हरी और दलदली जमीन पर इतने सारे हाथियों के झुंड के बीच में एक हाथी अलग से दिख रहा है। इस जंगल के नज़ारे में आपको सोने का हाथी दिख रहा होगा। ऐसा लग रहा है कि ये गजा महाराज सोने से नहा कर आए हैं। दरअसल सच तो ये है कि ये हाथी सोने का नहीं है, बल्कि ये जनाब तो मिट्टी के कीचड़ से नहा कर आए हैं। ये हाथियों के झुंड की खूबसूरत तस्वीरें सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के रिसर्च प्रोफेसर क्रिस्टोफर विटियन ने ज़ांगेबाई के जंगलों में खींची हैं। करीबन 150 हाथियों के झुंड में ये सुनहरा हाथी अलग से ही दिख रहा है। बारिश होने के कारण मिट्टी में कीचड़ बन गया था, जिसके बाद हाथी उसी कीचड़ में नहाने लग गए। इस कीचड़ में नहाने के बाद हाथी के शरीर पर एक इंच भी ऐसा नहीं था जो कि सुनहरा नहीं लग रहा था। क्रिस्टोफर का कहा कि जहां इस हाथी को देखना मेरे लिए हास्यास्पद था, वहीं उस हाथी को अपने आप को सबसे अलग दिखने पर गर्व हो रहा था। उन्होंने कहा कि बाकी हाथियों को भी कीचड़ से खेलने में मजा आ रहा था और ये सब देखना मेरे लिए बेहद मजेदार अनुभव रहा। उस हाथी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने सुनहरे रंग पर बेहद झनमट कर रहा हो।